हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर सी पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। पफ स्लीव्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने स्लीव्स का नाप लगाएंगे। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का पीस है। सबसे पहले हमें अपने अस्तर को फोल्ड फोल्ड करके बिछा लेना है। फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे। देखिए मेरी जो स्लीव्स की लेंथ है वो 6 इंच है, मैं उसमें 1 इंच प्लस करके नाप लगाऊंगी। आप स्लीव्स की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है। देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच पर डाउन किया है नीचे की तरफ। देखिए अब हम अपने स्लीव्स को शेप दे देंगे, देखिए इस तरीके से। और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा है ये हमने मार्जिन के लिए लिया है। देखिए नीचे की तरफ से हम 3 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ नाप लेंगे हमारे पास कितना कपड़ा बच रहा है। 4.5 इंच आया है, तो देखिए इस तरीके से हम 4.5 इंच अपने अस्तन की गोलाई के पास नाप लगाएंगे। अब यहाँ से हमें एक राउंड सर्कल बना लेना है। देखिए अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हम इसको अपने कपड़े पे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे कपड़े पे हमने कटिंग कर ली है। अब हमें जो इसमें पफ डालना है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा था हम उस पर नाप लगाएंगे। तो देखिए हमने जो अपने स्लीव्स के अस्तर पे 4.5 इंच का राउंड लिया था हम वहाँ पर पहले मार्क करेंगे 4.5 इंच पर, और ऊपर की तरफ आप 2 से 3 इंच बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 इंच बढ़ाया है ऊपर की तरफ, और नीचे से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपने स्लीव्स का ही शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमें अब यहाँ पे इस तरीके से चुन्नट देनी है, पूरे कपड़े पे हमें इस तरीके से चुन्नट देनी है। तो देखिए हमने हमारे पफ स्लीव्स की कटिंग कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले अपने नीचे वाले हिस्से को तैयार करेंगे। अपने कपड़े के ऊपर हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, बराबर करेंगे, और उस पर 1 फुट की मार्जिन से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। देखिए अब ऊपर की तरफ जो गोलाई थी हम वहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को बराबर करके राउंड शेप देना है हमें। अब हल्के हल्के से कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। देखिए अब हमको इस तरीके से यहाँ से पलट देना है अपनी स्लीव्स को। ये बहुत ही आसानी से पलट जाती है। देखिए हमने स्लीव्स को पलट लिया है, अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी करके सेट कर सकते हैं। देखिए पफ के लिए हमने जो कपड़ा कट किया था अब हम उस पर चुन्नट डाल के उसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम इसको एक तरफ से तैयार करेंगे। हम 2 से 3 इंच छोड़ देंगे अपने कपड़े को और बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पूरी प्लेट्स बना लेनी है नीचे की तरफ, और जैसे ही हमने नीचे बनाई है हमें सेम वैसे ही प्लेट्स ऊपर की तरफ बना लेनी है। कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हमें प्लेट्स अच्छे से बना लेनी है। ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक देता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, तो आप इस स्लीव्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए ये हमारा पफ बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो ऊपर से हम इस तरीके से अटैच करेंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के, और राउंड शेप में हम इसको लगा लेंगे।
देखिए हमने अपने स्लीव्स को अटैच कर लिया है पूरा। देखिए स्लीव्स को बीच में से फोल्ड करके हम इसको बराबर करके अपना शेप दे देंगे स्लीव्स का, बराबर कट कर लेंगे इसको। मैं इस पर कोई लेस नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो इस पर लेस लगा सकते हैं। लेस लगने के बाद भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अंदर का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी पफ स्लीव्स बनके तैयार हो गई है। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स हैं हम इसको नॉर्मल स्लीव्स की तरह कट कर लेंगे अपनी गोलाई को, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको जैसे नॉर्मल स्लीव्स लगाते हैं वैसे ही हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने ब्लाउज़ में स्लीव्स को लगा लिया है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको कि पहनने पे कैसा लगता है।